जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 की आश्विन अमावस्या, जो कि पितृ विसर्जन सर्व पितृ अमावस्या कब है, तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पितर लोक से आए हुए पितृश्वर महालय भोजन से तृप्त हो अपने लोक को जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि से पितर तृप्त हो जाते हैं और वे जाते समय अपने पुत्र पौत्रों पर आशीर्वाद रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। इस दिन स्त्रियां संध्या समय दीपक जलाने की बेला में पूरी मिष्ठान अपने दरवाजे पर रखती हैं, जिसका तात्पर्य यह होता है कि पितर जाते समय भूखे न जाएं। इसी प्रकार दीपक जलाकर पितरों का मार्ग जो कि आलोकित किया जाता है। श्राद्ध पक्ष अमावस्या को ही पूर्ण हो जाता है। इस अमावस्या का श्राद्ध कर्म और तांत्रिक दृष्टिकोण से इसका बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। भूले भटके पितरों के नाम का ब्राह्मण तो इस दिन जिमाया जाता ही है। साथ ही यदि किसी कारणवश किसी तिथि विशेष को श्राद्ध कर्म नहीं हो पाता है, तब उन पितरों का श्राद्ध भी इस दिन किया जा सकता है। इस अमावस्या के दूसरे दिन जो कि शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि माँ दुर्गा के प्रचंड रूपों के आराधक और तंत्र साधना करने वाले इस अमावस्या की रात्रि को विशिष्ट साधनाएं भी करते हैं। यही कारण है कि आश्विन मास की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन चाहिए कि गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए, अपने इष्ट देवता कुल देवता का पूजन करना चाहिए और मध्याह्न काल के समय में यानी कि दोपहर के समय में विशेष प्रकार से अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके आपसे जो भी बन सके आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान पुण्यों का कार्य अवश्य ही करें। इससे पितृ देवता का विशेष कृपा प्राप्त होता है। सर्व पितृ अमावस्या तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त जो भी आप भोजन बनाते हैं दान करने के लिए ब्राह्मण भोजन कराने के लिए उस भोजन को पूरे प्रकार से शुद्ध और सात्विकता के साथ ही बनानी चाहिए। अपने रसोई घर को अच्छे प्रकार से साफ सुथरा करके उसके बाद ही ब्राह्मणों के लिए और अपने पितरों के निमित्त जो भी भोजन आदि बनाते हैं वो स्वच्छ करके ही बनाना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन इस दिन जहाँ तक हो सके पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलानी चाहिए। नदी कुआं बावरी तालाब आदि जगहों पर जो कि दीप आदि का दान करना चाहिए, वहाँ पे दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे पितृ देवता अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं और जाते वक्त अपना आशीर्वाद अमृत रूपी जो कि बरसाते जाते हैं। इस बार सर्वपितृ अमावस्या जो कि 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को है, इस बार शनिवार के दिन अमावस्या तिथि है। तो जब भी शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो इसे शनिचरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से पीपल वृक्ष का पूजन करना, पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालना, कच्चे दूध अर्पित करना, इन सबों का विशेष महत्व माना गया है। इससे सभी देवताओं का और पितृ देवता का विशेष कृपा प्राप्त होता है तथा इस दिन शनिवार का दिन है तो शनि की दशा में भी अगर इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं तो शनि की दशा में कष्ट नहीं होता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 9:52 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को रात्रि 11:23 पे। तो सर्वपितृ अमावस्या जो है 14 अक्टूबर को है तो इस दिन सभी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करें, ब्राह्मण भोजन करवाएं, दान पुण्यों का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:55 और सूर्यास्त शाम 5:52। राहु काल का जो समय होगा इस दिन वह सुबह 8:49 से सुबह 10:17 तक राहु काल का समय होगा। योग जो कि इंद्र योग सुबह 10:23 तक होगा, उसके बाद वैधृति योग
नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र शाम 4:24 तक होगा, उसके बाद चित्रा नक्षत्र सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी कन्या राशि में इस दिन रहेंगे। सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन इस दिन जो कि जिनके पितरों का तिथि पता नहीं होता है, उनके दिवंगत माता पिता की मृत्यु किस तिथि में हुई है, तो वो सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन विशेष प्रकार से इस दिन श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करें, क्योंकि यह सर्वपितृ अमावस्या होती है और इस दिन भूले भटके जो भी पितर लोग होते हैं उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा उनका विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।